उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जितने कह रहे हैं सभी आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही है और हम यहाँ आकर फंस चुके हैं, क्योंकि आज हमें अहमद को डॉक्टर को चेक करवाना था। पहले भी हम उसकी दवाई ले रहे हैं लेकिन आज दोबारा चेक करवाना था, और सुबह जब हम आए थे मौसम थोड़ा बेहतर था, हवा वगैरह चल रही थी लेकिन बारिश नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है और हम आगे भी नहीं जा सकते क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हम बिल्कुल पक्के रोड पर खड़े हैं। हमारा घर काफी ज्यादा दूर है और हमारा मोटरसाइकिल खराब हो गया है क्योंकि ये पानी की वजह से खराब हो गया है, बाहर खड़ा था। तो अब हम सोच रहे हैं कि घर कैसे जाएं, बड़ी परेशानी हो रही है। अभी आप लोग देख रहे हैं, ये देखें ये प्लग है, इसमें पानी चला गया है जिसकी वजह से मोटरसाइकिल चल नहीं रहा और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और यहाँ आसपास में कोई शॉप ही नहीं है मोटरसाइकिल, और पैदल जाना पड़ेगा आगे तक क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फसल है, आगे भी जाना पड़ेगा। तो अभी आ जाए खराब हो चुका था तो हम यहाँ पर रुके और ये कागज के साथ इसको साफ किया और कुछ अभी चलने लायक हो तो गए, लेकिन बारिश थोड़ी कम हो फिर हम यहाँ से निकले थे क्योंकि बहुत तेज बारिश है। अब देख सकते हैं ऐसे नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देखिए बारिश कितना अच्छी लग रहा है। तो अभी हम यहाँ पर रुके हैं तकरीबन बस्ती में, लोग हम दवाई लेने गए थे, इसे आगे मकदूम वाली वहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं। बस दुआ करें बारिश थोड़ी कम हो फिर हम घर जाएं, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और जो है ना आप लोग देख रहे हैं काफ़ी अंधेरा भी लग रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बादल आए हुए हैं। तो अभी हम यहाँ से थोड़ी देर रुकेंगे और बारिश कम हो जाए फिर हम चलते हैं घर। जो बच्ची हुई है वो हम आपको घर दिखाएँगे, क्योंकि घर जा के हम कैसे पहुँचते हैं वो आप सब से शेयर करेंगे। जी तो प्यारे बस अभी जो है ना हम शॉप पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम कुछ समोसे वगैरह लेंगे क्योंकि अहमद काफ़ी भूख लगी हुई है, सुबह से आए हैं हम। तो डॉक्टर ने भी क्या है कि इसको कुछ खिलाएं उसके बाद दवाई देनी है, तो अभी माशाल्लाह से समोसे तैयार हो रहे हैं। मैं और भाई भी आए थे साथ, वो हमें भूख लगी थी, हम अपने लिए समोसे बनवा रहे हैं और अहमद को समोसे नहीं देने, उसको हम देने हैं बिस्किट या फिर कुछ और खाने को देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से माहौल आप लोग देख रहे हैं, बारिश की वजह से माहौल कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आई है, तूफ़ानी बारिश। ये समोसे जो है ना तैयार होने वाले हैं तो वो भी हम खा लें और उसके बाद देखेंगे कि हालात कैसे हैं, घर जाएंगे फिर। बहुत तेज़ बारिश आ रही है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर, क्योंकि आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, देखने लग फिर है। तो हम सब से दुआएं मांग रहे थे कि बारिश यहाँ से पानी कितना जा रहा है, बहुत तेज़ बारिश है। हमारा मोटर भी ख़राब हो गया था जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ा, तो असल में अहमद को भी थोड़ा खाने को कुछ चाहिए था, वो कहते मुझे भूख लगी थी, इसके लिए हमें कुछ समोसे वगैरह लिए हैं यहाँ पर शॉप है। तो अभी फिर हम देना थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में हम घर तो नहीं जा सकते, तो थोड़ा बारिश रुक गया फिर हम घर जाएंगे।
चेंज कर लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीग गई थी मैंने जो नाम है वो पानी में, तो कपड़े भी मैंने चेंज नहीं किए। तो अभी हम आपको घर का हालात भी दिखाते हैं। तो ये देखिए सामने इतनी बारिश आई ना आज तूफान के, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। और हमारे सहन में सारा पानी जमा हुआ हुआ है। तो तकरीबन सुबह से ही हमारे यहाँ जो है ना बारिश आ रही है जी। तो प्यारी बात ये देखिए वहाँ से हमने पानी को रास्ता दिया क्योंकि हमारे सहन का पानी वहाँ से ही निकलता है। तो माशाल्लाह से मौसम काफ़ी अच्छा है और मैं बात नहीं कर सकती, इतनी ठंडा है और हम कहाँ पर रहें ठंड की जगह, क्योंकि सारा रास्ते में इतना पानी था, इतनी बारिश थी, बस बड़ी मुश्किल से ही आज हम घर पहुँचे हैं। लेकिन जाना भी ज़रूरी था, अमन की तबीयत थोड़ी फिर से ख़राब हो गई थी तो उसे चेकअप ज़रूर करवाना था। तो अभी अमन को हम ले आए, उसके कपड़े चेंज किए हैं, तो अब वो जो है ना थोड़ा सो गया ही है। तो माशाल्लाह से मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ठंडा ठंडा, और अभी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चल रही है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं मेरे सहन में जो है ना पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, क्योंकि यह कच्चा सियान है, इस वजह से थोड़ा ऊंची नीचे जो ऊपर वाली जगह है वहाँ पर थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ थोड़ी नीची जगह थी इसलिए पानी ज़्यादा रुका हुआ है। तो आज के व्लॉग आप सब लोगों को कैसा लगे तो आप सब लोगों ने हमें बताना ज़रूर।